हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल इन वन डेस्कटॉप के बारे में, जिसके अंदर न तो हमें कोई सीपीयू की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा स्क्रीन के अंदर ही सारा सिस्टम है वो होता है। ये जो सिस्टम है ये कोर i3 10th generation है, 8 GB रैम, 512 GB SSD के साथ में। इसके मॉडल नंबर है वो आपको जूम करके दिखा देता हूँ मैं, आप ऑनलाइन भी है वो चेक कर सकते हो। बाकी मैं इसकी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ पूरी की पूरी, स्टेप बाय स्टेप, इसके अंदर क्या क्या वो हमें मिलने वाला है। ये 22 इंची स्क्रीन के अंदर है, इसमें 24 इंची स्क्रीन भी आती है एसर के अंदर। बहुत ही किस टाइप की क्वालिटी है, क्या क्वालिटी रहने वाली है, क्या क्या हमें पोर्ट मिलने वाला है, सारा का सारा इस वीडियो के अंदर वो बात करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब है वो पक्का कर लेना। तो चलिए अब चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो आपको बॉक्स के अंदर इस टाइप से है वो पैक मिलेगी स्क्रीन, 22 इंची स्क्रीन है, जिसके अंदर ऑल इन वन सिस्टम है सारा है। इसके साथ में क्या क्या आने वाला है वो हम लोग बेसिकली वो बात करने वाले हैं। इसमें आपको एक तो कीबोर्ड मिल जाता है जो एसर कंपनी से ही आता है, इस टाइप से आपको है वो कीबोर्ड है वो मिल जाएगा। शायद इसके अंदर माउस भी होना चाहिए, वो हम लोग इसके अंदर वो देखने वाले हैं कि माउस इसके अंदर वो मिलता है या नहीं मिलता है। एक इसके अंदर अडेप्टर मिल जाता है जो 65 वोल्ट का अडेप्टर है, और एक ये जो माउस है वो एसर का है वो माउस भी मिल जाता है। अब स्क्रीन की हम लोग बात करने वाले हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या पोर्ट मिलने वाले हैं और क्या क्या इसके अंदर जो है यूनिक चीजें वो मिलने वाली हैं। इस टाइप से वो आपको स्क्रीन मिलने वाली है जिसके अंदर सीपीयू भी है वो इनबिल्ट है। यहाँ पे आपको स्पीकर दिखाई दे रहे होंगे, स्पीकर है जो काफी हैवी आवाज नहीं है पर डॉल्बी ऑडियो के अंदर वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे i3 का लोगो है, आपको जूम करके दिखा देता हूँ आप देख लो। तो यहाँ पे i3 का आपको लोगो मिल जाएगा i3 10th generation के अंदर। और कौन कौन से जो पोर्ट है वो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, यहाँ पे आप देखो एक तो बड़ा SD कार्ड मिल जाता है स्लॉट, USB स्लॉट मिल जाता है, माइक और ऑडियो के लिए भी आपको अलग से वो मिल जाता है, यहाँ पे भी एक USB पोर्ट है वो मिल जाता है। अदरवाइज हमें और क्या क्या पोर्ट मिलने वाले हैं वो भी हम लोग है वो यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे वॉल्यूम के अप डाउन के बटन मिल जाते हैं और ये ऑन ऑफ का वो बटन हो जाता है। बाकी इसके अंदर कोई और पोर्ट्स अगर है तो अपने देखते हैं, और कोई पोर्ट्स है नहीं। इसको आप दीवार के अंदर भी फिट कर सकते हो और स्टैंड पे भी आप है वो ऊपर नीचे अप डाउन इसके अंदर है वो कर सकते हो। काफी स्टेबल स्क्रीन है जिसके अंदर हम लोगों को सीपीयू है वो अलग से रखने की जरूरत नहीं होती, ऑल इन वन डेस्कटॉप के अंदर सारा स्क्रीन के अंदर ही सारा इनबिल्ड होता है। आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्पफुल मिली होगी या वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल है। तो ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।